वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दक्ष और आज लेसन नंबर 4 है, हाउ टू हैंडलिंग स्ट्रिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा गाइस। ये अब जो आपको फोटो दिख रही है वो ड्रॉन मैटर में गिटार का जो हेड का नीचे फर्स्ट थ्री फ्रेट स्ट्रक्चर है। तो गाइस अभी अभी जो मैंने फोटो दिखाई थी उसके अंदर के ये रियल मैटर में ऐसे है गाइस। ये EADGBE 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गए 6 सॉरी, ये इतने रहते हैं गाइस। अब होल्डिंग की तरफ जाते हैं, सो लेट्स गो गाइस। ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट मैंने अभी अभी पहले फोटो दिखाया था ना, उनमें के रियल में ऐसे दिखते हैं। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट ऐसे पूरे मेटल नेक को गाइज आपको मैंने ये फोटो में दिखाया था ना, वो रियल में ऐसे दिखते हैं। फर्स्ट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फर्स्ट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, ये सारे, ये तीनों फ्रेट है। ये बाकी सब भी है जहाँ आगे आगे, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज। तीन यहाँ से ही आपको अपने होल्डिंग से करें। अब होल्डिंग से स्टार्ट करते हैं गाइज। ये बहुत ईजी है, आप इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। आपके जो छोटे 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 मेरे भी छोटे नेल्स है आपको दिखाने के लिए मैंने कट किए हैं, छोटे से भी आप बजा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। आपको पहले अपने स्ट्रिंग चुनना है, फिर उसके अंदर थोड़ा अंदर डालना है, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा अंदर डालना है। फिर आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा आगे लेना, मतलब ऐसे नहीं, इसको पकड़ के मत रखना, ऐसे थोड़े इंचेस, दिख रहा है आपको, थोड़े इंचेस मैंने ऐसे आगे लिया है। अब आगे लेने के बाद अब जो ये फ्रेट लाइन दिख रही है, जो मैंने अभी अभी वो रहता है ना फ्रेट लाइन, जो मैंने फर्स्ट लेसन में सिखाए थे, सिल्वर लाइन से मेटल की तरह दिख रहा है ना सिल्वर लाइन, उसे उसे आपको जहाँ पे आपने रखा है वो अपना स्ट्रिंग के ऊपर हाथ, उसको फर्स्ट उसके फर्स्ट सिल्वर बेल्ट मतलब मेटल पे लगना चाहिए, ऐसे देखिए ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए गाइस। और उसके बाद जो आपका फ्रेट रहता है ऐसे बजाना चाहिए, बाकी के कुछ नहीं लगे तो भी चलता है, मतलब वो मेटल के ऊपर कुछ चलता है, बस अपने आगे के जो रहते हैं ना उसे आपको मेटल को दबाना है, दबाने के बाद बजाना है गाइस। मैंने अभी अभी सारे आपको दिखाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हैंडलिंग में स्ट्रिंग्स को। ये सारे आप रेगुलरली प्रैक्टिस किए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।